युवाओं से जब चर्चा करता हूं तो मैं उनको हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं। मैं देखता था जब मैं स्टूडेंट था, ऐसे आज चर्चा चली है तो मैं आपको सामने कुछ अपने सेल्फ के एक्सपीरियंसेस, मैं देखता था हमारे मित्र साथी कभी भी मार्कशीट की जब लगती थी तो अपने मार्क्स नहीं देखते थे, उसको कितना आया, उसको कितना आया। इसका मतलब समझ जाओ कि यू आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स योरसेल्फ, यू हैव गॉट समथिंग एल्स टू सी। यह अपने आप में समझ जाइए कि आपने अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस को रोक दिया है। हमेशा देखना है तो अपने को देखो और हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में सोचो। ऑलवेज यू विल बी सक्सेसफुल। बात करते हैं, इतना कुछ हमारे दिमाग में भरा होता है, उसका 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 उसका, अरे उसका उसको मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मुबारक। इसलिए क्या होता है कि साधना में कमजोरी आती है, लक्ष्य के प्रति हम डेविएट कर जाते हैं। मैं आप सबसे युवाओं से बोलता हूं, देखिए मैंने गांधी जी के एक वर्ड सुने, डोंट लिव लाइक ए कावर्ड। कायरों की तरह नहीं जीना है, बुलंदी से जीना है, खुल के जीना है। यह बार बार जीवन नहीं मिलता। इसलिए मैं युवाओं को हमेशा इस बात के लिए प्रेरित करता हूं, स्काई इज द लिमिट, आसमान हमारी सीमाएं हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का तय किया है, वातावरण दिया जा रहा है, वातावरण का उपयोग करना हमारी जिम्मेवारी है, अपने से अपनी असेसमेंट करते हुए आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है, जीवन भर अपना इंप्रूवमेंट करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये सब आप करते रहोगे तो आप देश के लिए उपयोगी भी बनोगे और देश को भी आगे ले जाओगे।